So, hey guys, a very good morning to all of you. कैसे आप सभी लोग? I hope सभी लोग मस्त ही हो गए यार। तो फिलहाल थंबनेल देखे तो पता लगा ही लिया होगा कि कहाँ है हम लोग। तो अगेन फिर से आपको देख लो कहाँ है। तो गाइस आज आए हैं अपन KTM 390 देखने यार, क्योंकि मूड हो गया है स्विंग, क्योंकि 10R में तो बहुत समय लग रहा है, 2-3 महीना, और क्यों ना इस पर कुछ देखा जाए, दिमाग को थोड़ा बढ़ाया जाए और कुछ नया किया जाए। तो गाइस बिना किसी बातचीत के चलते हैं अंदर, ओनर से मिलते हैं और KTM के बारे में पता करते हैं। पहले टैंक कैपेसिटी कम थी जी, जी अब इसको और बढ़ाया, 13.5 लीटर करा जी। पहले 10.5-11 लीटर होता था, 10.5 ओके 9.5 या 10.5 आता था जी, लेकिन अब इसको 13 लीटर कर दिया जी। ठीक है, प्लस जो आपका वाइजर है, पहले वाइजर के साथ ये क्या बोलते हैं, ये जो आप इंडिकेटर इसमें आता था और इंडिकेटर होता था मिरर में, तो मिरर में इंडिकेटर होने से होता क्या था प्रॉब्लम कि एक चीज़ टूटती थी और दोनों बदल दोनों बदल। हाँ, ये बात। तो कंपनी ने कुछ ऐसा किया कि ये दोनों चीज़ें बदलाव करके अच्छा ही किया है, ऐसा नहीं है, लाइट वेट किया है गाड़ी को और ये इंडिकेटर वाला सीन क्लियर कर दिया, प्लस टैंक कैपेसिटी बढ़ा दी। तो कुछ बदलाव होते हैं अच्छे के लिए होते हैं कुछ तो, लेकिन जो मेन चीज़ जो पहले में जो होता है और जो दोबारा आता है कुछ तो डिफरेंट होता है, क्या पता वो चीज़ हम लोग को ना समझ में आ रही हो। बहुत लोग को ये मॉडल ही काफ़ी अच्छा लगता है जो हाँ, लोग इससे सेटिस्फाइड हैं, बढ़िया चल रहा है, ऐसा कोई कमी नहीं है। क्या इसकी रेंज है भैया 200 की? ये आपकी पड़ेगी 256 की। 256 की ओके। और 390 में चेक कर लेता हूँ जी, ये चेक कर। तो गाइस यार यहाँ पे और ड्यूक भी है यार, जो देखो काफ़ी लोग ड्यूक को भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं यार। तो जितने भी लोग तो अगर स्पोर्ट्स बाइक में जाएंगे, नॉर्मल स्पोर्ट्स बाइक में, तो ये आती है अपनी ड्यूक 390 या KTM 390। और अगर इसके ऊपर जाएंगे तो जैसे कावासाकी आ गए, कावासाकी की रेंज 400cc की भी आती है अच्छी, एक डोमिनार भी एक है नीचे खड़ी थी, तो और 600 की वो भी आती है, इतने लोग नहीं जानते हो कि बेनेली क्या है, बट अगर जो लोग जानते हो तो वो कमेंट में बता सकते हैं। जो पावर तो उसका ऑलमोस्ट, तो भी आई एम या क्या रेंज 377 ओके, और 390 ड्यूक भी खड़ी होती है। हां वो 390 है, हां 390 है। तो गाइस ये है 390 सामने अपने खड़ी है। तो अभी इसका क्या माइलेज वाइलेज है? माइलेज तो पीली बत्ती तो जल्दी जल्दी है। तो गाइस यार 390 के भी बोलते ब्यूटी, दिस इज द ब्यूटी ऑफ KTM। तो भैया यहाँ 390 मुझे दिख जाएगी RC 390 ऐसे नहीं आती है शोरूम भाई, लेकिन ड्यूक का इनिशियल बहुत प्यारा होता है RC से, ये बात याद है ना। ओ ये तो है भाई, नेकेड आता है, नेकेड में हमेशा पावर रहती है, ये नेकेड बाइक में आता है, वो स्पोर्ट्स में वो बाद में लेकिन आगे निकल जाएगी, लेकिन पहले ये निकलेगी आगे भाई। तो तुम ये बताओ, अगर यही सोचना था तो मैं कावासाकी में भी गया था, तो मैं Z900 भी तो करा सकता था ना 10R, क्योंकि मुझे जो सबसे ज़्यादा फील चाहिए ना, मुझे तो आगे से जो बोल्ड लगता है, मुझे बोल्ड चाहिए बोल्ड। तो गाइस अभी भैया के पास 390 अवेलेबल नहीं है, बट बुकिंग पे हो जाएगी। तो अभी दिमाग को उधर नहीं ले जाते, क्योंकि ऐसा ही हुआ था अपने साथ वहाँ पे भी, अगर वहाँ पे भी Z900 पे दिमाग डाइवर्ट हो रहा था, इस बार सोच के आए थे कहीं कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक ही पे फोकस करना है। अभी भैया से बोला है तो अभी ये उतरेगी और फुल बूम बाम मचा देंगे यार, क्योंकि वी आर बिना एग्जॉस्ट वाले का साउंड ले लेना, और एक बार एग्जॉस्ट वाले का साउंड ले लेना जो इसमें लगा लगाया है भैया। इसमें एग्जॉस्ट और लेडी आता है 390 में? ये क्या 390 में आया लगा लगाया है, और क्या बोलते 200 में लोगे तो 200 में नहीं आएगा। ऐसा क्यों होता है भैया कि एग्जॉस्ट कंपनी दे क्यों रही है, कंपनी एग्जॉस्ट क्यों दे रही है भैया? कौन सी कंपनी का एग्जॉस्ट है? नहीं वो उसके थ्रू ही लग के आया है, KTM ही का है। अरे नहीं तो कंपनी तो होगी ना भैया, किसी की एक बार चाबी मिल जाएगी वो कंपनी की। अरे वो रुक जाओ अभी नीचे उतारने दो। तो गाइस यार 390 में एग्जॉस्ट आया भाई, मुझे नहीं पता था ये कौन सी
कंपनी का, अरे ये वही है यार, स्टॉक है, स्टॉक है, स्टॉक है, स्टॉक है, ये स्टॉक है यार, एग्जॉस्ट नहीं है भाई, बाकी देख लो और किसी में नहीं आएगा, 200 में आएगा सिर्फ 250 और 390 का। ओके ओके गाइस, यार फिलहाल अभी चेक किया है इसका साउंड तो थोड़ा कम, तो यार 390 अभी चेक करते हैं साउंड इसका, क्योंकि इसमें एग्जॉस्ट लग, स्टॉक है सॉरी, एग्जॉस्ट तो कोई कंपनी नहीं देती है, एग्जॉस्ट ही होता भाई वो, बाकी वो स्टॉक एग्जॉस्ट उसको बोला जाता है। चाबी क्लियरिंग हो रही है। एक पन्नी जो बदल दे सबकी जिंदगी। तो भाई ये मिली चाबी, सेकंड गियर होगा इसमें भी, न्यूट्रल है, लकी चेक इट, बाकी इसमें तो मैं क्लच और क्या होते ब्रेक एडजस्टमेंट मिलेगा अपने हाथ से, कलिपर क्लच होगा, बहुत सारे फीचर्स होंगे जो मैं बता दूंगा। इसके एग्जॉस्ट में वो बात है, तो गाय जा रही है अभी भाई, इस टाइम रेडी पोजीशन में जा, और इसको उठाने में भी इतना वो नहीं लग रहा है कि उठा रहे हैं तो वजन आ रहा है, क्योंकि इसका स्पीड हो रहा है, कितना प्यारी स्पीड लग रही है भाई, सबसे अलग ही यार। फिलहाल अभी हम लोग KTM 200 में 390 अगर बुकिंग कराएंगे तब आपको शो होगी ना, अदरवाइज इसका डिस्प्ले और उसके डिस्प्ले में थोड़ा सा माइनर, थोड़ा सा, और जो चीज़ मैं बता रहा था स्पोर्ट्स मोड ट्रैक मोड उसमें एक अलग नाम से दिया गया है, क्या दिया गया है, किस नाम से, स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स मोटो मोड स्पोर्ट्स सुपर मोड, और इसमें अपने में जो ट्रैक रैक का वो अट्रैक्शन नहीं, बट है फीचर सेम है, बट 390 जब बुकिंग होगी तब ही आपको शो होगी। क्योंकि इसके सीसी के हिसाब से, क्योंकि इस बार कन्वर्टेशन किया गया है वो थोड़ा सा मुझे जो बस थोड़ा सा जो है खटकता है वो बस चीज़ जो है वो है ये इसका फोरहेड ना, विंड ब्लास्ट आपको चेंज करवाना पड़ेगा, हाँ अलग से आफ्टर मार्केट हो जाता है ना भैया, ये तो आफ्टर मार्केट अगर मैं चेंज करवाना चाहूँ ये तो हो जाता होगा, जैसा चाहे वैसा लुक आ जाएगा पर, और आपको चेक कराते हैं देन फिर उसके बाद भैया से डिस्कस करेंगे कि क्या कितने दिन तक मिल जाएगी, कितने दिन तक नहीं मिलेगी, क्या अगर आप एग्जॉस्ट चेंज कराओगे तो उतना भी फील नहीं देगा, क्यों, क्योंकि 200 में क्या ही गाड़ी की मारोगे, सीधी बात भाषा में ये समझ लो, पावर तो है देखो स्टार्टिंग में तुमको खींच देगी, इंजन तो झेल लेगा, अगर आप टाइम टाइम पे मेंटेनेंस कराएंगे तो इंजन आपका झेल लेगा। तो गाइस यार ठीक है फाइनल किया है 390 बट अभी स्टॉक में नहीं है, तो भैया ने बोला है कि क्या बोला है, 7 डेज में हैवी अमाउंट, लाइक हैवी अमाउंट, अगर जितना आप हैवी अमाउंट देंगे उसी हिसाब से आपकी गाड़ी मंगवा दी जाएगी। तो गाइस यार बहुत ज़्यादा तेज गर्मी लग रही है, अब लकी अपना कुछ पार्टी वार्टी देगा क्योंकि उसका भाई ओ मतलब लकी उसका भाई क्या लकी ले रहा है गाड़ी, क्यों लकी, अरे जहाँ भाई तो डोमिनार ही खड़ी है भाई, डोमिनार भी अच्छी है भाई, इसको मत लेना गाड़ी क्योंकि ये अबे भैया बैग कहाँ है, बैग लो। तो गाइस चलने निकलने, बहुत तेज धूप है गाइस, अभी मुझे एक चीज और लेनी है तो वो मैं आज के व्लॉग में नहीं दिखाऊंगा क्योंकि आप लोग भी बहुत चलाक हो, एक ही व्लॉग में देखना है ना, तो बस गाइस आज के व्लॉग में इतना ही, आप लोग को मजा आएगा तो लाइक कमेंट और शेयर करना, चलो सब्सक्राइब, मिलते हैं आपसे प्यारे से व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।